हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवांश है और आप देख रहे हैं ऑटो पार्ट्स इन्फो। तो आज मैं आपको एस्प्रेसो गाड़ी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये हमारी एस्प्रेसो गाड़ी है, जैसे कि आप देख चुके होंगे और भी वीडियो में। तो इसका एक लुक है जो अभी तक की मारुति गाड़ियों में जो इसका है, स्पीडोमीटर का लोकेशन भी चेंज है और लुक भी एकदम चेंज है, तो ये अच्छा है। तो आज मैं बता रहा हूँ इसमें सेटिंग्स के बारे में, कैसे क्या क्या सेटिंग होती है, कैसे कैसे हम करेंगे। तो इसमें देख सकते हैं, इसमें दो नोब नहीं है हमारे, सिर्फ एक नोब है, राइट नोब। तो राइट नोब को हमको क्या करना है, दबा के रखना है, और वो भी हमको करना है किस पोजीशन में ला के इसको ओडोमीटर रीडिंग में लाना है। उसके बाद हम इसे दबा के रखेंगे। जैसे इसे दबा के रखेंगे तो इसमें हमारी सेटिंग खुल के आती है, डोर की सेटिंग खुल के आती है, लाइट सेटिंग खुल के आती है, और क्लॉक सेटिंग है। तो इसमें देखते हैं हम, और डिफ़ॉल्ट है और एंड है। तो डोर सेटिंग में देखते हैं कितनी सेटिंग है। इसमें D2 सेटिंग आ रही है और D3 सेटिंग है, और देखते हैं, और नहीं, मतलब इसमें सिर्फ दो सेटिंग है डोर की, जो कि D1 सेटिंग होती है। इसलिए होती है कि आप सिंगल क्लिक अगर बटन दबाते हैं लॉक का, तो चारों के चारों दरवाजे खुल जाएं। और D2 जो सेटिंग होती है, इसमें आपका ये रहता है कि स्पीड से रिलेटेड रहती है। तो मैं आपको D2 सेटिंग में बताता हूँ कि जैसे D2 सेटिंग अगर सेट करना है तो D2 में लाना है। उसके बाद फिर इस नोब को थोड़ी देर के लिए प्रेस करके रखना है, तो इसमें SL1 और SL2 सेटिंग आ जाती है। तो जब SL1 सेटिंग सेट करेंगे तो आपकी गाड़ी जो होगी ऑटोमेटिक, जो 15 की स्पीड में होती गाड़ी, इस स्पीड में गाड़ी हमारी लॉक नहीं होगी, जो जो कि ये है SL1 सेटिंग में। और SL2 सेटिंग में क्या होगी कि हमारी गाड़ी 15 की स्पीड जैसे ही क्रॉस करेगी, ऑटोमेटिक हमारी गाड़ी लॉक हो जाएगी। तो हम इसे रहने देते हैं ऐसे ही, और बैक के ऑप्शन में आते हैं, क्लिक करते हैं बैक, और D3 सेटिंग अब देखते हैं। D3 सेटिंग में ला के प्रेस करेंगे तो इसमें SL1 सेटिंग है और SL2 सेटिंग है। SL1 सेटिंग में क्या है कि हमारी डोर जब की निकालेंगे तो जो दरवाजे ये लॉक हैं, ये जो दरवाजे हमारे जैसे कि लॉक रहेंगे अगर, ठीक है, तो लॉक ही रहेंगे, चाबी निकालने पे हमारे दरवाजे अनलॉक नहीं होंगे। और जब D3 सेटिंग की SL2 सेटिंग सेट करते हैं तो हमारे दरवाजे ऑटोमेटिकली हमारे सारे के सारे दरवाजे अनलॉक हो जाएंगे। जैसे कि मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ, ये दोनों दरवाजों को मैंने लॉक कर दिया है, सारे दरवाजे लॉक हो गए हैं, SL2 सेटिंग सेट है, और मैं चाबी निकाला और आप देख सकते हैं दरवाज़ा खुल गया है। तो इस तरह की ये सेटिंग है डोर की। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑटो पार्ट्स इन्फो।